जुनूनियत। दोस्तों आज जुनूनियत के बारे में एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा और उसका आपको सच्ची सच्ची जवाब देना है, मतलब कोई झोलझाल नहीं करना। क्योंकि यार एक तरफ से ना एक सामने एक डाउट आ रहा है कि जुनूनियत में लोग इलाही को भी देखना चाहते हैं और जुनूनियत में लोग प्रियंका चार चौधरी को भी देखना चाहते हैं, तो ये बताओ एक मयान में दो तलवारें भला कैसे रह सकती हैं। फैंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलाही को फैंस चाहते हैं कुछ के यार काश इलाही भी रिप्लेस ना हो, क्योंकि फैंस इलाही को भी देखना पसंद करते हैं और वो चाहते ये भी हैं कि काश प्रियंका चार चौधरी भी हमारे को देखने को मिल जाए अंकित गुप्ता के साथ। तो यार ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर फैंस ये चाह क्या रहे हैं, प्रियंका को पसंद कर रहे हैं या फिर इलाही को पसंद कर रहे हैं सीरियल में। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया गया है। तो शो में रिप्लेस को लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आती हुई नज़र आई जो आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। चलिए करते हैं इस पर चर्चा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में बॉलीवुड हाइलाइट्स में। चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मुझे भी जान लीजिए, मैं हूँ आपका होस्ट चंदोज जितेंद्र सारी। तो दोस्तों जुनूनियत की बढ़ती हुई टीआरपी को देख करके फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि यार इसका उम्मीद भी नहीं थी कि ये शो इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाएगा। लेकिन इस शो की जो है ना थोड़ी सी टीआरपी इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि फैंस का ये दावा है कि रिप्लेस किया जा सकता है इलाही को किसके साथ, प्रियंका चार चौधरी के साथ। आपने देखा होगा बहुत से सीरियल में के डायरेक्टर आगे जा करके ना चेहरे ही रिप्लेस कर देता है, अक्सर देखा होगा। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं फैंस के दिमागों में ये आती नजर आई कि इलाही की जगह हो सकती है, इलाही की जगह ले सकते हैं प्रियंका चार चौधरी। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका को ले लेनी चाहिए इलाही की जगह, कॉमेंट करके सच सच बताओ।